Video lecture on uh, topic nasopulmonary drug delivery system, which is uh, belongs to the sur, uh, subject novel drug delivery system. So, let us start. In this topic, we cover the following content such as introduction of nasal drug delivery system, uh, basic characteristic of nasal drug delivery system, limitations and advantage of nasal drug delivery system. फर्दर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ नेजल कैबिटी एंड नोस एंड फर्दर द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसफोर अक्रॉस द नेजल म्यूकोसा सो फर्स्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट सो अगर हम नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑल दो दिस इज दार्ट ऑफ नोवल ड्रग डिलेवरी सिस्टम बट नेल ड्रग डिलेवरी सिस्टम को ही बहुत पुराना ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसको हमारे एशियन टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड तो अगर आप कभी आपने आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन को देखा होगा तो उसमें नेज़ल रूफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पहले से फॉलो किया जा रहा है और नेजल रूट से अगर किसी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था तो आयुर्वेदा में इस प्रोसेस को हम न्यासा के नाम से जानते हैं नाउ बट वॉट इज द रिसेंट एडवांसमेंट इन द नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आज के समय में इतना इम्पॉर्टेंस और इतना सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है क्योंकि आ, आज आ, इन द रिसेंट टाइम नेसल ड्रिक डिलीवरी सिस्टम के सेवरल नंबर ऑफ़ एडवांटेज देखे गए हैं

फर्दर एब्सॉर्ब होकर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी जाती है तो आपको एज अल्टरनेटिव रूट फॉर ओरल और पेरेंट्रल रूट आप नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को चूज़ कर सकते हो रिसेंटली नेज़ल व्यकोसा जो है वो बहुत ही अच्छे इमर्जिंग रूट की तरह सिग्निफिकेंस रख रहा है और उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि ये बहुत सारे थेराप्यूटिक कंटेंट्स के लिए वायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है कि यहाँ से वो ऑब्ज़र्व होकर फर्दर सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो जाते हैं इन जनरल अगर आ, हम देखें तो प्राइमरी टारगेट क्या होते हैं हमारे इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मेनली उन टाइप की ड्रग्स को या उन ड्रग कैंडिडेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स आती है अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंडस होते हैं जिनकी पुअर स्टेबिलिटी uh, होती है इन गेस्टो इंटेस्टाइनल फ्रूड क्योंकि वहाँ पर जाके इन सब्सटेंसेस का प्रोटीन और प्रेप्टाइड नेचर होने के कारण या अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी होने के कारण ये जी आई ट्रैक में जाके इनका हिपेटिक पास, पास 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 मेटाबॉलिज्म हो जाता है इनकी बायबलिटी डिक्रीज हो जाती है तो दे आर द पुअर कैंडिडेट फॉर दैट टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम सो तो यूज हेयर एज अ पोटेंशियल टारगेट सेकेंड पुअर इंटेस्टाइनल एबजॉपन एंड एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबोलि जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इंटेस्टाइनल एरिया में जाके पुअर एब्जॉर्प्शन होता है सच एस आपके एंटीबायोटिक वगैरह तो उनके लिए और उनका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म हो जाता है तो उस केस में भी आप इंटरनेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की त, की तरफ अप्रोच कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे पैप्टाइड प्रोटीन्स और पोलर टाइप ऑफ जो जो ड्रग होती हैं जैसे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनका मेनली क्या होता है यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइनल uh, रीजन में हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उसको फर्दर एलिमिनेट करने के लिए उसको फर्दर सरकमबेंड करने के लिए हम एज अ अल्टरनेटिव रूट नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टूबर्ड्स अप्रोच कर सकते हैं तो एक और एडवांटेज है हमारा नेज़ल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का दैट कि हमारी जो नेज़ल एपिथीलियम सरफेस होती है उसके जस्ट अब ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है और देयर इज द बेसिक पाथवे में इन्वॉल्व बिटवीन द ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम एंड एंड बिटवीन द ब्रेन सो ब्लड ब्रेन बैरियर जो दोनों के बीच में प्रेजेंट uh, रहता है उसके थ्रू भी कुछ ड्रग्स होती हैं जो ऑलफेक्ट्री एपिथीलियम को डायरेक्टली पास ऑन करके हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में भी डिलीवर्ड हो जाती हैं तो हम इस पाथवे को चूज़ करके भी फर्दर डायरेक्ट डिलीवरी करा सकते हैं हमारे ड्रग सब्सटेंसेस की इन टू द बायोफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अगर हमें चाहिए कि हमें अदर कोई रूट फॉलो नहीं करना है और डायरेक्ट ब्रेन में भी डिलीवरी कराना है तो हम इस पाथवे को फर्दर चूज कर सकते हैं फिर अब हम आते हैं एडवांटेज पार्ट में कि व्हाट आर दी बेसिक एडवांटेज ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओवर द अदर पाथवे सच एस पैरेंट्रल और ओरल तो फर्स्ट मेजर एडवांटेज इज दैट इट बाईपास और अवॉइड द हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबल क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हम जब नेज़ल कैबिटी से या नेजल सरफेस से किसी ड्रग की डिलीवरी कराएंगे तो हमारी ड्रग डायरेक्टली नेजल सरफेस से होती हुई डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन लिम्फॉइड ऑर्गन्स टिश्यूज़ में जाएगी और फर्दर इसका जी आई ट्रग से कॉन्टैक्ट अवॉइड होगा एंड फर्दर ड्रग का हेपेटिक फर्स्ट स्मार्ट मेटाबोलिस नहीं होगा देन रैपिड ड्रग एब्जॉर्बशन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन जस्ट बिकॉज कि हमने नेजल पाथवे चूज़ किया है तो नेजल पाथवे में हमारा नॉर्मल नेज़ल रेस्पारेटरी ट्रैक से जो ड्रग जाएगी वो तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगी ही, ही साथ ही हमारे ऑलफेक्ट्री एपिथिलियम से बायपास होकर वो ब्लड ब्रैंड बैरियर में भी जाएगी और वहां पर भी अपना एक्शन दिखाएगी तो यहाँ पे क्या होता है हमें डायरेक्टली ड्रग का रैपिड रेपिडन भी मिलता है और फर्दर क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन भी ड्रग का होता है फ़र्दर बायोबलिटी ऑफ लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन बी इम्प्रूव बाय द मीन्स ऑफ एब्जॉर्बन इन्हेंसर्स तो हमारे जो स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो ईजली हमारी नेजल एपिथीलियम से परमिएट हो जाते हैं वहाँ ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है बायोबल्टी की विद द लार्जर ड्रग कैंडिडेट और विद द प्रोटीनियस और पैप्टाइड ड्रग कैंडिडेट तो उन उनकी डिलीवरी को फर्दर इन्हेंस करने के लिए हम सेवरल टाइप ऑफ अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम इनकॉपरेशन करा सकते हैं एब्जॉर्बन इन्हेंसर्स का वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेज से जो नेजल एपिथेलियम है उसकी एनाडोमी फिजोलॉजी में और उसकी वर्किंग में कुछ चेंजेस लाते हैं जिसके कारण फर्दर हमारे ड्रग कैंडिडेट्स का एब्जॉर्बन इंक्रीज हो जाता है फर्दर बायबिलिटी ऑफ स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स इज़ गुड बिकॉज जो हमारी नेज़ल एपिथेलियम होती है वो मेनली लाइपोफिलिक नेचर की होती है एंड उसमें जो सेल्स के बीच में होते हैं कुछ एक्वास चैनल टाइट जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं तो मेनली अगर हमें लाइप ड्रग्स की डिलीवरी करना है तो हमारा जो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है सबसे अच्छा रूट है डिलीवरी कराने के लिए और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है फर्दर जो स्मॉलर ड्रग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी हमें फर्दर कोई इंप्रूवमेंट अप्रोचेस नहीं यूज़ करना पड़ती है डायरेक्टली आपकी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाती है बाय दिस रूट देन convenient फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी कम्पेयर टू द पेरेंट्रल मेडिकेशन तो अगर हम पेरेंट्रल रूट से ड्रग डिलीवरी कराते हैं तो पेरेंट्रल रूट से क्या होता है हमारी ड्रग डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है और 100 परसेंट एफिशेंसी मिलती है लेकिन देयर इज़ ऑलवेज नीड दैट कि आपको बार बार इंजेक्शन देना पड़ता है जिसके कारण पेशेंट को अनकम्फर्ट फील होता है वो समाइम्स ट्रीटमेंट को अवॉइड करता है या ट्रीटमेंट को ई कर देता है क्योंकि बार बार इंजेक्शन लगाना पेनफुल होता है और पेशेंट को डिसकंफर्ट फील होता है एंड इज ऑल्सो बिकॉज़ इन द इंजेक्टेबल देयर इज दैट योर नीडल शुड बी स्ट्राइल एंड आल्सो ऑल्सो तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम नेजल रूट से देंगे तो जो हमारा पेशेंट है वो सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकता है और फर्दर अगर हम उसमें कोई अप्रोचेस यूज़ करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए हमारे नेजल रूट में या नेज़ल एरिया में हमारे ड्रग कैंडिडेट को अडेयर करा सकते हैं उसको वहाँ पे रोक के रख सकते हैं कि उसकी डिलीवरी फर्दर इहस हो जाए नेक्स्ट एडवांटेज है ड्रग्स प्रोसेसिंग द पुअर स्टेबिलिटी इन टू द जी आई फ्लूड गिवन बाय द नेजल रूट तो जो ड्रग आपकी जे आई ट्रेक में स्टेबल नहीं है उनकी पुअर स्टेबिलिटी है वो डिग्रेड आउट हो जाती है उनका मेटाबल हो जाता है तो उनको भी फर्दर हम प्रिफर करते हैं कि नेज़ल रूट से दिया जाए ईज़ी एंड कन्वीनियंट रूट है क्योंकि जो पेशेंट है सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है तो ईजली एडमिनिस्ट्रेशन होता है कन्वीनियंट होता है और आप नेज़ल फॉर्मूलेशन जो होते हैं मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं देन अनादर एडवांटेज इज़ दैट इजली एडमिनिस्टर टू अनकॉन्शियस पेशेंट तो जो पेशेंट अनकॉन्सियस होते हैं कोमा में होते हैं तो उनमें उन भी हम फर्दर नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली करा सकते हैं नाउ कम टू द लिमिटेशन पार्ट अब एडवांटेज के साथ साथ नेजल रूट के भी फ्यू डिसएडवांटेज हैं जैसे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन डूरिंग जैसे कि हमें कोई सिमटोमेटिक uh, डिसीज़ uh, हुआ है या कुछ डिसीज सिम्टम्स आए हैं जैसे कोल्ड हो गया कफ़ हो गया कुछ एलर्जीज के कारण हो गया तो इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारे नेज़ल म्यूकोसा में और नेजल एरिया में तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो नेज़ल सरफेस है उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण फर्दर जो नेजल सरफेस में नेजल सरफेस से या नेजल एरिया से हम किसी ड्रग की डिलीवरी कराते हैं तो उसकी बायिलिटी में फर्दर सिग्निफिकेंटली चेंजेस आ जाते हैं सेकेंड वन इज देर द हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी ऑफ एब्जॉर्ब इनहेंसर यूज इन नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नॉट यट क्लियरली स्टेब्लिश Uh, यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स क्या करते हैं जो हमारी ड्रग लो बायबिलिटी रखती हैं या उनका परमेबिलिटी कम होती है या एब्जॉर्प्शन लेस होता है तो उस केस में क्या करते हैं हम नेज़ल डिग डिलीवरी सिस्टम में एब्जॉर्पन इन्हेंसर्स का इंसर्शन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है एब्जॉर्प्शन इन्हेंसर्स ऑलवेज नॉट सेफ समटाइम्स हमारे एबजॉर्प्शन इन्हेंसर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं इरिटेशन कॉज करते हैं जिसके कारण नेजल म्यूकोसा में आप जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन कराया है मेडिकामेंट का वो रिमूव आउट हो जाता है या फिर पेशेंट को डिसकम्फर्ट फील हो जाता है तो उस केस में जो जो एबजॉर्प्शन इन्हेंसर आज भी यूज़ हो रहे हैं या नंबर ऑफ एबजॉप्शन इन्हेंसर यूज हो रहे हैं उनकी टॉक्सिसिटी का पैरामीटर अभी भी डिसाइड नहीं है कि, कि किस टाइप का एब्जॉर्प्शन इन्हेंसर सेफ होगा किस टाइप का एबजॉप्शन टॉक्सिसिटी कॉस करेगा Then, को कराते हैं, तो तुरंत के तुरंत पेशेंट को डिसकंफर्ट फील होता है एस कंपेयर टू ओरल रूट ओरल रूट से क्या होता है हम टेबलेट की फॉर्म में या सिरप सैप्सूल किसी भी फॉर्म में डायरेक्टली ड्रग को इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद अप कर लेते हैं फिर उसमें लेकिन नेजल में क्या होता है आपको नेजल एरिया में अपने डिलीवरी सिस्टम को इंसर्ट कराना है और इंसर्ट कराने के बाद कुछ टाइम के लिए कि वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए उस एरिया में प्रॉपरली पूरी तरह से चला जाए उसके लिए आपको समटाइम्स कुछ कंडीशन या सिचुएशन मेंटेन करने रहती है तो उस केस में भी पेशेंट को डिसकम्फर्ट फील होता है देन नेजल कैबिटी प्रोवाइड स्मॉलर एब्जॉर्पन सरफेस एरिया तो अगर हम बाकी एबजॉप्शन सरफेस एरिया से कंपेयर करें फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसजर्मल डिलेवरी सिस्टम से कंपेयर करें हम बक्कल डिलेवरी सिस्टम से कंपेयर करें तो उसमें देखिए आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए लेकिन हमारी नेज़ल कैबिटी बहुत स्मॉल एरिया होता है तो स्मॉल एरिया होने के कारण फर्दर ड्रग का जो एब्जॉर्पन है समटाइम डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जीआई आई ट्रैक एज़ कम्पेयर टू ट्रांसजर्मल ड्रग सिस्टम और एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ डिलीवरी रूट्स नाव कम टू द एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ़ नेज़ल कैिटी तो अगर हम नेज़ल कैिटी की एनाटोमी और फिजियोलॉजी देखने जाएंगे तो सभी को पता है कि ये हमारा नोज पोर्शन है तो so, नोज़ में हम हमारे बेसिकली टू पार्ट्स प्रजेंट होते हैं एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज एक्सटर्नल नोज जो एरिया आपको ऊपर से दिखाई देता है नोज़ का वो हमारा है एक्सटर्नल नोज और जो एरिया आपको दिखता नहीं है लेकिन अंदर आपका जो भी नेज़ल सरफेस प्रेजेंट है वो एरिया आपका इंटरनल नोज़ में आता है अब एक्सटर्नल नोज़ में भी आप फर्दर देखोगे तो ये ये जो आपका एरिया है ये एक्सटर्नल नोज है और उसके उसको भी फर्दर सपोर्ट देने के लिए हमारी बहुत सारी बोन्स होती है जो उस एरिया में प्रेजेंट होती हैं तो इन बोन्स को आप फर्दर देखने जाओगे तो सबसे पहले होती हैं हमारी सपोर्टिंग बोन्स सपोर्टिंग बोन्स जो साइड से हमारी नोज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्टिंग बोन्स में सबसे पहले आती हैं आपकी फ़्रंटल बोन्स फ्रंटल्स जो आपके नोज़ के अपर साइड में प्रेजेंट होती हैं देन आपकी नेज़ल बोन्स नेज़ल बोन्स में भी आपकी जो अपर साइड में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ साइड में एंटीरियर साइड पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ या यहाँ पे जो मैगजिलरी बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो ये सारी हमारी सपोर्टिंग बोन्स हैं जो बोन्स को हमारी नोस की नोज एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं उसके बाद सेकेंड सपोर्टिंग बोन्स जो होती हैं हमारी यहाँ पे होते हैं हाइलिन कार्टिलेज अब हाइलिन कार्टिलेज क्या होते हैं उस टाइप के कार्टिलेज जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है जैसे कि हमारे जो नो नोज में नोस्टल प्रेजेंट है उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो सेप्टा के जो कार्टिलेज होते हैं वो हाइलिन हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं तो सेप्टल कार्टिलेज उसके बाद जो आपका ऊपर का हाइलिन कार्टिलेज है जो कि आपकी नोज़ की जो दो ओपनिंग होती हैं उस सरफेस एरिया को कवर करता है एक्सटर्नल नोस्टल एरिया को कवर करता है तो वो यहाँ पर आते हैं तो ये सारे पोर्शनस मिल हमारे एक्सटर्नल नोज एरिया को बनाते हैं तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये हमारा एक्सटर्नल नोज एरिया है ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू में भी आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर साइड दो बोन्स है ये हमारी फ्रंटल बोन्स है और यहीं पे हमारे फ्रंटल साइनस प्रेजेंट होते हैं फिर यहाँ पे साइड में जो बोन्स प्रेजेंट होती है इस साइड में ये हमारी मैक्सिलरी बोन्स होती है और जो ने, नेजल सेप्टा के बीच में जो बोन्स प्रेजेंट होती है सेप्टल कार्टिलेज होती है एंड जो अपर साइड में हमारा प्र, प्र, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो होता है हाइलिन कार्टिलेज। देन उसके बाद आता है हमारा इंटरनल नोस इंटरनल नोस जो आपको ऊपर से नहीं दिखता है तो इंटरनल नोस क्या है इट इज द लार्ज कैबिटी इंटरनल नोज में हमारे लार्ज कैबिटी होती है जो दैट इज़ लाइस इन्फीरियर टू नेज़ल बोन हमारी जो ये नेजल बोन है उसके पीछे के साइड जो एरिया प्रेजेंट होता है वो आपका कहलाता है इंटरनल नोज और ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है सुपीरियर टू माउथ तो यहाँ से लेके आपका ये एरिया यहाँ तक जो जितना आएगा ये पूरा एरिया आपका इंटरनल नोज़ कहलाता है अब इंटरनल नोज में आपके क्या है इट इज़ द लार्ज कैविटी बिट विच लाइस इन्फीरियर टू नेजल नेज़ल पासिस एंड रन्स फ्रॉम द नेजल वेस्टिब्यूल नेजल वेस्टिब्यूल दैट इज़ नेजल वॉल टू द नेसोफेरिंग्स अब हमने नेजल कैबिटी देख ली ये हमारी नेजल कैबिटी है ये हमारी नेजल बोन्स है इसके पीछे से हमारा इंटरनल नोस चालू हो रहा है और फिर आगे जाके हमारा जो माउथ की माउथ कैबिटी है उसके अपर साइड का जो हमारा uh, बोलना चाहिए रीज़न है वो सारा हमारा नेजल कैबिटी में आता है तो ये यहाँ तक आता है आपका फेरिंग्स तक एरिया में फिर फर्दर इसकी जो डिप्थ होती है या इसकी जो लेंथ होती है वो ट्वेल्व से लेके फिफ्टीन सेंटीमीटर तक होती है क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा कवर होता है नेजल कैबिटी एरिया में उसके बाद फर्दर जो हमारी इस नेजल कैबिटी की लाइनिंग होती है नेजल कैबिटी की लाइनिंग मेनली टू uh, टाइप्स की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसल सेल्स और गोबलेट सेल्स म्यूकोसल सेल्स जो होती हैं ये सीरस सेल्स होती हैं और इनसे कंटिन्यूस म्यूसिन का सिक्रेशन होता है जिसके कारण आपकी जो नेजल कैबिटी है उसमें मॉइस्चर मेंटेन uh, रहता है और हर टाइम म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है ताकि दोनों के बीच में मॉइस्चर्स कैबिटी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन रहे फर्दर जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो भी कुछ टाइप के एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रीशंस करती हैं एंड दिस एरिया इज हाईली बस्कुलराइज एरिया यहाँ पे ब्लड वेसल्स की भी ओपनिंग होंगी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होंगी फर्दर तो अगर हम देखें तो हमारे इंटरनल नोज में फर्दर फाइव एरियाज इंक्लूड होते हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो इंटरनल लोस है उसमें मेनली फाइव एरियाज होते हैं पहला होता है नेज़ल वेस्टिबुल जो हमारी नेजल कैबिटी का ये वाला एरिया है ये नेजल वेस्टिबुल कहलाता है उसके बाद आते हैं नेज़ल कॉन्कीस जो कि मेन रेस्पायरेटरी रीजन है आपकी नेजल कैबिटी का देन नेजल मैट्यूसिस ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम एंड नेजल सिक्रीशन तो ये सारी चीजें मिलके हमारा इंटरनल नोज बनाती हैं तो इंटरनल नोज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेजल वेस्टिबुल से तो नेजल वेस्टिबुल्स क्या होते हैं जो आपकी नेजल कैबिटी में मोस्ट एंटीरियर पोर्शन होता है हमारी नेजल कैबिटी का जस्ट इनसाइड द नोस्टिल जो हमारी ये दो नोस्टिल हैं उसके जस्ट इनसाइड का एंटीरियर पोर्शन जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है नेजल बेस्टिब्यूट इस एरिया को हम बोलते हैं नेज़ल बेस्टिब्यूट इट इज़ सराउंडेड बाय द कार्टिलेज ऑफ एन एरिया ऑफ अबाउट पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर और ये एरिया हमारा कार्टिलेज बोन से सराउंडेड रहता है जो कि पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है उसके बाद दिस एरिया इज फर्दर कवर्ड बाय द अब उसमें कुछ टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं तो दिस एरिया इज़ फर्दर कवर्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड क्रेटेनाइज एपीथीलियम सेल्स तो यहाँ पे हमारे बेस्टिव्यूल रीजन में स्ट्रेटिफाइड एंड क्रेटेनाइज इस्क्वास एपीथीलियम सेल्स सरफेस प्रेजेंट होती हैं जिसमें फर्दर सीवेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो कुछ सीवस सिक्रीशंस करती हैं एंड कंटेन द कोरस हेयर्स तो यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एन्वायरमेंट फैक्टर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं उनको यहाँ पर रोक के रखने का काम करते हैं सेकेंड पार्ट इज नेजल कॉन्की जिसको रेस्पारेटरी रीजन भी बोलते हैं तो हमारी नोज के जो लेटरल पार्ट होते हैं उनमें स्ट्रेटेजिकली कुछ कॉन्वकेटेड कॉन्वोकेशन uh, प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आपके टर्मिनेट्स प्रेजेंट होते हैं ये जो ब्लू कलर के दिखर रहे हैं इनको टर्मिनेट्स बोलते हैं तो ये टर्मिनेट्स होते हैं हमारे सुपीरियर टर्मिनेट मिडल टर्मिनेट और इन्फीरियर टर्मिनेट इनका मेन पर्पस होता है कि हमारी एयर को लॉन्ग टाइम के लिए नेजल एरिया में रोक के रखना ताकि फर्दर ड्रग्स का एब्जॉर्बशन इंक्रीज़ हो सके एंड फर्दर गैस का एक्सचेंज भी इंक्रीज़ हो सके क्योंकि डायरेक्टली जब हमारी गैसेस नोज़ एरिया से यहाँ यहाँ इस एरिया में आती हैं तो इस एरिया का मेन काम होता है कि फर्दर जो हमारी एयर है उसका ह्यूमिडिफिकेशन करना एंड फर्दर जो ड्राई एयर है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना तो ये ये फर्दर हमारे जो एयर पास ऑन होती है उसके ह्यूमिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन का वर्क करती है ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि मोस्ट ऑफ ड्रग का एब्जॉर्न हमारे इसी एरिया में होता है देन हो, आते हैं हैं ने, नेजल मेट्यूसेस। नेजल मेट्यूसेस क्या होते हैं? कि जो हमारे नेजल कॉन्कीस प्रेजेंट है उनके साइड में फर्दर कुछ सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर टर्मिनेट्स यहाँ पे सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर मेट्यूसेस प्रेजेंट होते हैं अब ये मेट्यूसेस ये सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रुप्स होते हैं जो फर्दर सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर मेट्यूसेस होते हैं इनका मेन काम होता है जो हमारे नेजल रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना इंटू द इंटरनल नेजल कैबिटी देन ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम जो हमारी नेजल कैबिटी है उसमें अपर साइड में आपके ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम प्रेजेंट होती है इस ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम में फर्दर हमारे ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये रिसेप्टर्स फर्दर हमारे एडजसेंट जो सेप्टम्स होते हैं और रीजन्स होते हैं रीजन है उनके साथ पूरा मिलके के ऑलफेक्ट्री बनाते हैं ऑलफेक्ट्री एपीथीलियम में स्पेशलाइज्ड टाइप की ऑलफेक्ट्री सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका मेन काम होता है स्मेलिंग। तो ये मेनली स्मेलिंग का काम करते हैं और फर्दर इनके साथ सपोर्ट में कुछ सीरस और म्यूकोसल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं तो ये है आपकी ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम, इसका फर्दर एक्सटेंडेड पार्ट देखेंगे तो ऑलफेक्ट्री एपिथीलियम में ऑल्फैक्ट्री सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनके एंड पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है वेसल सेल्स सिरस सेल्स अदर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और एंड में एक्जान्स प्रेजेंट हैं तो यहीं पे ये जाके फर्दर आपके ऑल्फेक्ट्री बॉल्स से अटैच होते हैं और फर्दर स्मेलिंग सेंसेशन आता है फिर आते हैं हमारे नेज़ल सिक्रीशंस जो नोज़ में हमारे नेजल सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं उनमें मिक्सअप होता है जो सेल सिक्रीशन सिक्रेट होते हैं गॉबलेट सेल से सीरस सेल से म्यूकोसल सेल से लेक्राइमल सेल से और नेजल कैबिटी में जो सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं इनका ओवरऑल पी एच से लेकर सिक्स होता है और इनमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीनियस एंजाइम्स लाइसोजाइम्स अदर एंजाइम्स एल्बूमिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फिर पाथवे और ड्रग एब्जॉर्प्शन इनसाइड द नोज तो अगर हमारी कोई भी ड्रग नोज में आती है तो सबसे पहले वो नेजल कैबिटी में आती है नेज़ल कैबिटी में भी फर्दर हमारे दो रीजनस प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेटरी एपीथिलियम रीजन जिसमें आपके कॉन्की एंड मेट्यूसिस प्रेजेंट होते हैं सेकेंड होता है ऑल्फैक्ट्री एपीथीलियम रीजन तो यहाँ पर भी हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है मेट्यूसिस और टर्मिनेट रीजन में आ, बाया द गैसियस एक्सचेंज और यहाँ पे हमारे ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम से ऑलफेक्ट्री लोब से स्मेलिंग के थ्रू कुछ ड्रग्स बा, बाई बाईपास होकर डायरेक्टली ब्रेन में चली जाती हैं और रेस्पारेट्री एपिथीलियम से डायरेक्टली या तो हमारी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है या फिर ड्रग में पार्टिकल्स का साइज़ दो माइक्रोमीटर से ज़्यादा होने के कारण म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस हो जाता है और उनको एक्सेल कर दिया जाता है एंड फर्दर जो ब्लड ब्रेन में हमारी ड्रग गई है वो फर्दर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी आ जाती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके फर्दर ब्रेन में डिलीवर्ड हो जाती है उसके बाद नोज ब्रेन पाथवे नोज़ ब्रेन पाथवे क्या होता है कि जो हमारी ऑलफेक्ट्री म्यूकोसा है जो मेनली स्मेलिंग एरिया है आपका नोज़ का वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है ब्रेन के साथ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपकी ऑल्फेक्ट्री म्यूकोसा प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका ब्रेन है तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इस एरिया को बोलते हैं हम नोज ब्रेन पाथवे तो जो ड्रग या मेडिकेशंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती हैं आपके ऑल्फैक्ट्री म्यूकोसा में वो डायरेक्टली इंटर कर सकती हैं स्पाइनल फ्लूड में जो कि आपका ब्रेन का एरिया है तो अगर आपको चाहिए कि आपकी ड्रग डायरेक्टली ब्रेन में डिलीवर्ड हो जाए तो हमारा ये नोज ब्रेन पाथवे रैपिड पाथवे की तरह वर्क करता है और ड्रग के डायरेक्ट एब्जॉर्बशन के लिए पाथवे दिखाता है देन मैकेज ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द नेजल म्यूकोसा तो नेजल म्यूकोसा में थ्री टाइप ऑफ मेन पाथवेज फॉलो होते हैं जिनके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्बशन होता है पहला जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं पैरा या इंटर सेलर पाथवे मीन्स आपका जो सेल्स हैं ये हम सपोज ये हमारी नोज की एपिथिलियम सरफेसेस है तो पैरा सेलोर मीन्स जब हमारा जो ड्रग कैंडिडेट है वो सेल्स के बीच में से होके जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर पाथवे और जब सेल्स से में से होकर गुजरेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर या इंट्रा सेलर पाथवे तो पहला पाथवे हमारा पैरा या इंट्रा सेलोर पाथवे ये वाला जो पाथवे दो सेल्स के बीच में से जब हमारा ड्रग कैंडिडेट होके गुजरता है तो उसको बोलते हैं हम पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर पाथवे ये एक स्लो और पैसिव एब्जॉर्बन पाथवे है जो कि मेनली फॉलोड किया जाता है हाइड्रोफिलिक ड्रग पोलर ड्रग्स पैप्टाइड्स एंड प्रोटीन टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए एंड यहाँ पर ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है बाया द इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस और टाइट जंक्शन ये जो बीच में आपके सेल्स के टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके थ्रू थ्रू ड्रग की डिलीवरी होती है तो इसमें मेनली इंसुलिन मिलेन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड हार्मोन इस टाइप के सब्सटेंसेज जो प्रोटीन नेचर रखते हैं उनकी डिलीवरी इस पाथवेज के थ्रू होती है सेकेंड पाथवे है ट्रांससेलर पाथवे जिसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलर पाथवे जब जो ड्रग्स हमारी सेल्स के बीच में से होकर गुजरती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलर पाथवे तो यहाँ पे मेनली लाइपोफिलिक टाइप की ड्रग्स इस पाथवे को फॉलो करती हैं एंड ड्रग्स का पैसिव या पैसिव डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग सेल्स को पास ऑन करती है इसमें मेनली आपकी लिबोडोपा और कार्बीडोपा टाइप ऑफ ड्रग्स इस पाथवे के थु, के थ्रू डिलीवर्ड होती हैं third जो हमारा पाथवे है जिसको बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस ट्रांसाइटोसिस क्या होता है कि अगर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जो ड्रग हैं उसके पार्टिकल्स को सेल्स अपटेक करके उसके वेसाइकल्स फॉर्म कर देती हैं एंड फर्दर वेसाइकल्स की फॉर्म में वो सेल्स के अक्रॉस ट्रांसफ़र होता है तो इस पाथवे को बोलते हैं हम ट्रांसाइटोसिस ट्रांसाइटोसिस में भी आपके फर्दर टू टाइप के मैकेनिज्म चलती है या तो एंडोसाइटोसिस होती है या पिनोसाइटोसिस होता है अगर किसी ड्रग सब्सटेंस का या किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म में लिक्विड uh, फॉर्म में पासेज होता है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस और अगर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ड्रग सब्सटेंस ट्रांसाइटोसिस के मैकेनिज्म में सेल के अंदर आता है फिर वेसाइकल की फॉर्म में फॉर्मुलेट हो जाता है और ये वेसाइकल फर्दर सेल को पास ऑन करके निकल जाते हैं तो ये हमारे थ्री मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द नेजल म्यूकोसा देन फंक्शन ऑफ नोस जो नोज होती है उसका मेन फंक्शन होता है मेन टू फंक्शंस होते हैं पहला होता है ऑलफेक्शन जो मेनली स्मेलिंग या स्मेल डिटेक्शन का काम होता है वो हमारी नोज़ करती है उसमें भी नोज़ में जो हमारे ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम सरफेस प्रेजेंट होती है उसका काम ये होता है कि स्मेल को डिटेक्ट करना और एल्फेक्ट्री लोब्स को पास ऑन करना सेकेंड जो हमारा मेन फंक्शन होता है रेस्पायरेशन में एक्चुअली हमारी नोज रेस्पायरेशन का काम नहीं करती लेकिन रेस्पायरेशन के पहले जो हमारी गैसेस गैसेस आती हैं और इंटर करती है नोज़ में उसको लंग्स तक पहुंचने से पहले उसका जो प्री फिल्ट्रेशन करने का काम करता है वो हमारा नोज एरिया करता है तो सबसे पहले क्या होता है जब हमारे नोस्टल एरिया से गैस पास ऑन होती है तो सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन का काम होता है फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है नोस्टल एरिया में पहले वो फिल्टर करती हैं फिर आगे जाके जो हमारी म्यूकस सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं उसमें भी अगर कोई टॉक्सिक या पैथोजन सब्सटेंस है वो वहीं पर म्यूसिन सब्सटेंस के साथ वहीं पर उस सिक्रीशन में वहीं पे चिपक के रह जाते हैं और उनका फर्दर हमारी गैस का फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जैसे ही हमारे रेस्पायरेटरी एपिथीलियम मेट्यूसिस या टर्मिनेट एरिया में आपकी गैस पहुंचती है वहाँ पे उसका ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है आ, उसमें मॉइस्चर जो होता है उसका एडिशन किया जाता है एंड फर्दर अगर आपकी ड्राई हेयर है तो उसको कूल cool किया जाता है और अगर कूल cool हेयर है तो उसको ड्राई सॉरी कूल एयर है तो उसको ड्राई अप किया जाता है ताकि मॉइ उसका टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम हो तो दे आर दी टू बेसिक फंक्शन ऑफ नोस ऑलफेक्शन एंड रेस्पायरेशन So, here is the reference which as I have followed uh, to prepare the recent slide. Thank you.